खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद छिंदवाड़ा में मचा हड़कंप। छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री कमलनाथ के जिले में एक बार फिर भूचाल आ गया है। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वैसे ही छिंदवाड़ा की राजनीति में हलचल मच गई है। वहीं शहर के दो अलग अलग स्थानों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाया गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश कांपले के नेतृत्व में स्टेडियम के सामने पुतला फूंका गया है, वहीं दूसरी तरफ फव्वारा चौक पर NSUI के नेतृत्व में भी पुतला फूंका गया है। देखें पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर आशीष मालवी के साथ। सरदार सिंधिया का पुतला दहन किया गया, जिन्होंने झांसी की रानी के जो दादा थे वो भी गद्दार थे, इनके खून में भी गद्दारपन था, इसलिए आज हमने इन्हें कमलनाथ जी से भी गद्दारी करी और कांग्रेस परिवार से भी गद्दारी करी, जिससे हमारे आम कार्यकर्ता ये आहत हुए हैं। इसलिए आज जिला NSUI छिंदवाड़ा के द्वारा, नगर NSUI के द्वारा पुतला दहन किया गया सिंधिया जी का, इसमें आज पुतला दहन। क्या नाम है आपका? आशीष साहू, NSUI जिला। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में मध्य प्रदेश की सरकार, जो कमलनाथ जी की सरकार है, पूरे मध्य प्रदेश में 15 साल के संघर्ष के बाद, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करने के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी और पूरे मध्य प्रदेश में जनहित के कार्य कर रही थी। छिंदवाड़ा के विकास को लेके या मध्य प्रदेश के विकास को लेके माननीय कमलनाथ जी लगातार संवेदनशील थे, छोटे छोटे मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ स्वार्थवादी लोगों ने इस सरकार को गिराने का काम किया है, इस सरकार को डगमगाने का काम किया है। लेकिन माननीय कमलनाथ जी एक मजबूत नेता है, हम सबको भरोसा है कमलनाथ जी के ऊपर कि सरकार हमेशा स्थिर रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ गद्दारी की है, ज्योतिराव सिंधिया, जिनका इतिहास ही रहा हमेशा देश के साथ और देश के इतिहास में उन्होंने गद्दारी की है, ऐसे लोगों के खिलाफ में आज कांग्रेस सेवा दल ने पुतला दहन किया है। और हमने अपील की है, जब तक कांग्रेस के साथ कमलनाथ जी के साथ कोई धोखा करेगा, उसके खिलाफ पूरे जिले भर में आंदोलन किए जाएंगे।